ये बहुत ही कानून व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से 15 साल की एक बच्ची को दिन दहाड़े जला के मार दिया गया। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर इस घटना से लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है और आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश बिल्कुल एक जंगल राज के रूप में तब्दील होता जा रहा है, जहां जानकारी हुई कि पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है लेकिन उनके परिवार वाले पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और अगर वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। कल पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश को जंगल राज में तब्दील किया गया है, यहाँ अब पता नहीं, मुझे ऐसा मालूम नहीं है तो इनकी पार्टी में कहीं गडकरी कुछ बोल रहे हैं, कहीं लोकल लेवल पे कुछ कुछ आवाजें उठ रही हैं। अपना दल ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है, उन्होंने भी कहा है, अपना दल सोनेलाल जिसमें अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई है कि अपने घटक दलों को एनडीए साथ में नहीं लेके चल पा रहा है। तो ये तो इनको देखना चाहिए। तीन राज्यों की हार 2019 में इनको इनकी विदाई की कहानी लिख रही है और तीन राज्यों की जो हार हुई है इसके कारण से 2019 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हारेगी।